ये है पिज़्ज़ा। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा का बेस घर में और मन भर खाएंगे, है ना। हम मार्केट से बेस मिलता है, लेके आते हैं, उसको टॉपिंग बना के घर में खाते हैं, लेकिन आज हम इसका बेस भी बनाएंगे और ऊपर में टॉपिंग कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं किचन में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नंदिनी, आप सबको वेलकम करती हूं आज का फ्रेश और नया एपिसोड में। आज हम किचन से बनाएंगे पिज़्ज़ा बेस, उसके ऊपर हम पिज़्ज़ा टॉपिंग भी कैसे डालते हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए बनाते हैं पिज़्ज़ा बेस। ये सारा इंग्रेडिएंट्स मैं रखी हूँ वो तो मैं दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम लेंगे थोड़ा सा गुनगुना पानी। पानी गुनगुना होना बहुत ज़रूरी है। और उसमें डालूंगी मैं थोड़ा चीनी, बस। और उसके ऊपर डालेंगे ड्राई इंस्टेंट ईस्ट। इंस्टेंट ईस्ट जो मार्केट में आराम से अवेलेबल हो जा रहा है आजकल, और फ्रेश वाला लीजिए, छोटा पैकेट मत लीजिए, उस वो थोड़ा सा उतना जमता नहीं है। मैं एक साथ बड़ा पैकेट ले आई हूँ, हाफ किलो वाला। ये अच्छा, मुझे रिज़ल्ट भी अच्छा मिल रहा है इसका। और ये थोड़ा सा मिक्स करके चम्मच से रख देंगे साइड में। 2-3 मिनट ही लगता है इसको फॉर्मेंट होने में, वो तुरंत ही हो जाएगा। और फिर हम उसको बनाएंगे, उसको हम साइड में रख देंगे। जो भी मेरे चैनल में आज मेरे साथ नया देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा हर रोज़ का नया वीडियो देखने के लिए। मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ अपलोड करती हूँ, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब बटन में जाके क्लिक करें और मेरा नया वीडियो का हर रोज़ इंतज़ार करें। मेरे फैमिली में शामिल हो जाएं, मुझे अच्छा लगेगा। तो मैदा में हम करेंगे आज, ये 2.5 कप मैं मैदा इसमें लूँगी। ये लगभग आधा किलो मैदा है, आधा किलो मैदा हम लेंगे। और इसमें से कितना निकलता है मैं दिखाती हूँ। इसमें हम मैदा ले लेंगे, छानने का कोई ज़रूरी नहीं है, हम इसको केक नहीं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा बेस। तो इसको मैं बटर ले ली, ये सॉल्टेड बटर है, थोड़ा सा 2 टीस्पून चीनी डालेंगे। बटर मैं ली हूँ 2 टेबलस्पून, और सॉल्ट थोड़ा सा देख के डालेंगे क्योंकि ये सॉल्टेड बटर है। फिर भी आप अपने हिसाब से बटर डालिए, ज़्यादा नमक हो जाने से अच्छा भी नहीं लगेगा। देखिए ये जस्ट कैसा हो गया है, एकदम 2-3 मिनट ही लगा, कैसा पूरा अच्छा से खमीर उठा है इसमें। और ऐसे ही अगर होगा तो फिर आपका ब्रेड या पिज़्ज़ा बेस आप जो भी बनाएंगे हम वो अच्छा होगा। अदरवाइज़ अगर ऐसा आपका इंस्टेंट ईस्ट से ऐसा खमीर नहीं उठता है तो आप प्लीज़ उसको मैदा में ऐड मत करिए, नहीं तो वो अच्छा बनेगा भी नहीं और आपका वेस्ट जाएगा, ठीक है। तो इसको हम पहले मिक्स कर लेंगे और उसमें हम गुनगुना पानी डाल के इसको हम एक आटा लगाएंगे। आटा इसमें जो भी लगता है ब्रेड में या पिज़्ज़ा बेस में, हम जो भी बनाएंगे थोड़ा सा स्टिकी बनता है ये, लेकिन कोई बात नहीं, स्टिकी बनने से भी हम उसको कैसे करेंगे देखते हैं। ये जो कप मैं, जिस कप में मैदा ली हूँ उसी कप में मैं 1 कप पानी ली थी, और पानी मेरा पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, 1 टेबलस्पून बराबर पानी मेरा बच गया है, 1.5 टेबलस्पून बच गया है पानी। और इसको हम अच्छा से गूँथ लेंगे। अच्छा से गूँथना थोड़ा ज़रूरी है, खाली ऐसे मिक्स करके छोड़ देने से नहीं होगा, हम उसको अच्छा से गूँथ लेंगे। पिज़्ज़ा बेस अगर हम घर में बनाते हैं तो ये आधा किलो बेस में मेरा लगभग 7-8 पिज़्ज़ा बेस निकल आया। ये तो मैं कल रात को ही बनाई थी, तो मैं आज आप लोगों को वॉइस ओवर करके दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छा बना था, तो उसके लिए मैं बता पा रही हूँ कि इसमें से 7-8 निकल गया। ये देखिए इतना ही पानी उसमें बचा है, इसका कोई काम नहीं है, और छोड़ देंगे उसको। और इसमें थोड़ा सा तेल हाथ में लेके, 1 टीस्पून तेल मैं हाथ में ली हूँ, और इसको हम अच्छा से थोड़ा सा ऊपर से तेल लगा लेंगे और इसको हम रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। आधा घंटा के बाद हम देखेंगे कि इसका कितना क्या फूला है। उस बीच हम बाकी इसके ऊपर जो टॉपिंग है उसको हम रेडी करेंगे, ठीक है। इसको हम कवर करके रख देते हैं।
आप लोग ज़रूर ट्राई करें इसको, और पिज़्ज़ा बेस बना के भी आराम से घर में रख सकते हैं। ये है मशरूम, बटन मशरूम, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा पीस में काट लिए हैं, भाभी काट के रखी, तो इसको थोड़ा सा हम फ्राई तो नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा सौते करेंगे बटर के साथ। इसको हाई फ्लेम पे करेंगे क्योंकि इसमें से पानी बहुत निकलता है। धो के अच्छा से साफ़ किए हैं। इसका भी कैसे साफ़ करना है वो भी मैं एक आप लोगों के साथ एपिसोड शेयर की हूँ, एक हाँ बनाई हूँ एक वीडियो इसका भी, आप लोग देख लेना, मैं इसका लिंक भी दे दूँगी कैसे साफ़ करना है। नहीं तो ये थोड़ा सा वालू बालू सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, मुँह में आता है तो अच्छा नहीं लगता है। इसको हम अच्छे से निचोड़ के इसमें डाल रहे हैं, फिर भी ये पानी छोड़ता है, मशरूम में पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है, तो इसके लिए हम इसको हाई फ्लेम पे करेंगे और सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे अभी, हम बाद में सॉल्ट ऐड करेंगे, क्योंकि अभी सॉल्ट ऐड करेंगे तो और भी ज़्यादा पानी वो निकलेगा इसमें से। तो इसको हम हाई फ्लेम पे थोड़ा सा सौते कर लेते हैं, और फिर हम बाकी जो वेजिटेबल्स है वो भाभी उसको काट रही है, इसके ऊपर हम डालेंगे टमाटो, कैप्सिकम, प्याज और कॉर्न, स्वीट कॉर्न वो डालेंगे उसके लिए। इस पिज़्ज़ा के ऊपर जो जाता है मोज़रेला चीज़ उसको निकाल के रखे हैं, और पिज़्ज़ा टॉपिंग, पिज़्ज़ा सॉस सब निकाल के हम रखे हैं। तो ये हो गया, सौते हो गया है, पानी भी अच्छा से सोक हो गया, इसका ज़्यादा पानी नहीं निकला हाई फ्लेम पे। लास्ट में हम ऐड किए इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर, इसको हम सौते करके छोड़ देंगे, और फिर हम देखते हैं कि हमारा पिज़्ज़ा का जो हम गूद के रखे थे क्या। वाओ देखिए कितना अच्छा फूला है ये, है ना, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया फूला है। थोड़ा सा हाथ में तेल लेके इसका एयर बबल्स निकाल देते हैं, और इसको हम छोटा छोटा पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, गोला बना देंगे, और उसमें फिर हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। हम जो पिज़्ज़ा बनाए हैं आज, हम उसी को इंस्टेंट आज खाने के लिए बनाए हैं, हम उसको रखने के लिए नहीं बनाए हैं। आप उसका बेस बना के इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं, जब आपको मन किया आप उसको खा सकते हैं, फ्रिज के अंदर पॉलीथीन में रैप करके रख सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा इसको बेक करेंगे। बेक करने के लिए मैं OTG का इस्तेमाल की हूँ। OTG 200 डिग्री सेल्सियस पे हम गर्म करने के लिए, प्री हीट होने के लिए रख दिए हैं, और इसको हम थोड़ा सा बेल के या फिर हाथ से थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं एक हाथ में कैमरा पकड़ी हूँ, तो भाभी को बुला रही हूँ मैं एक्चुअल में कि वो बेलेगी और बनाएगी, तो मैं शूटिंग करूँगी आप लोगों को दिखाने के लिए। मुझे अच्छा लगता है जो भी हम बनाते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबके घर में अलग अलग तरह से बनता है, तो मेरे यहाँ क्या कैसे बनता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों को कैसा क्या लगता है आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। थोड़ा सा इसमें मैदा लगा लेते हैं और उसको बेल के थोड़ा बड़ा कर लेंगे, चौड़ा कर लेंगे, और अगर आप रखना चाहते हैं तो इसको 10 मिनट्स के लिए 200 डिग्री पे बैक करके रख सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं। जैसे ये हम अभी बेल रहे हैं, बेल के हम फिर 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, 15-20 मिनट के लिए। इसमें हम फोक से थोड़ा सा होल कर देंगे ताकि ये ब्रेड जैसा फूले नहीं, ये नीचे नहीं चिपकेगा, उसके लिए मैं उसको थोड़ा सा डाल रही हूँ। ये फॉइल पेपर है, वैसे भी नहीं चिपकेगा ये। इसमें फोक में हम थोड़ा सा उसको होल कर देंगे ताकि ये ब्रेड जैसा फूले नहीं, और फिर हम इसको छोड़ देंगे 15-20 मिनट के लिए, और उसके बाद हम 200 डिग्री सेल्सियस पे इसको बेक करेंगे 10 मिनट के लिए, ठीक है। लेकिन हम इसको डिनर में आज खाना है हमको, उसके लिए हम इसको स्टोर करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम सीधा इसी के ऊपर ही सारा कुछ लगा देंगे। ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है, उसमें ऐड कर देंगे ऊपर से। आजकल कई तरह के सॉस भी मार्केट में मिल रहा है,
वो सब भी आप इसमें डाल सकते हैं। आप अपने पसंद से कुछ भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। वेजिटेबल्स सौते करके भी डाल सकते हैं, लेकिन हम आज कच्चा वेजिटेबल्स डाल रहे हैं। खाली मशरूम को हम पकाए हैं, बाकी सब कच्चा है जो भी वेजिटेबल्स डाल रहे हैं। अब बेस में लगाने के लिए पिज़्ज़ा सॉस आपका मिल रहा है, मेयोनीज, देन सेजवान सॉस, टमाटो सॉस डाल सकते हैं, चिली सॉस डाल सकते हैं, मस्टर्ड सॉस डाल सकते हैं, कुछ भी आप डाल सकते हैं। आप अपने पसंद से डालिए उसके ऊपर, और उसके ऊपर हम मेज़रोला चीज़ से या फिर क्यूब चीज़ भी आता है मार्केट में, कई तरह का चीज़ भी आता है, चीज़ का पेस्ट भी आता है वो भी लगा सकते हैं, स्लाइस चीज़ आता है वो भी लगा सकते हैं। सब लगा के इसको हम सीधा बेक करेंगे ओवन में 200 डिग्री सेल्सियस में, और 10 मिनट के लिए हम बेक करेंगे इसको भी। ये 10 मिनट में रेडी हो जाएगा। आप जो बेस बनाएंगे इसका, वो बेस को भी आप सिर्फ 10 मिनट के लिए बेक करिए, और उसको स्टोर करके अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। और ऊपर टॉपिंग के लिए मैं कैसे क्या की हूँ वो पहले वाले और भी मैं पिज़्ज़ा का एपिसोड शेयर की थी आप लोगों के साथ, उसमें भी आप देख सकते हैं। ये है मेज़रोला चीज़, इसके ऊपर हम मेज़रोला चीज़ डालेंगे, ये भी मार्केट में मिल जाता है, और ये पिज़्ज़ा 10 मिनट में रेडी हो जाएगा। देखिए ये रेडी हो गया। आप इसको माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं, आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं। स्टील प्लेट में बनाइए, कढ़ाई में बनाएंगे तो कोई फाइबर का प्लेट वगैरह नहीं देना, तो ये ऐसे ही रेडी हो जाएगा 10 मिनट में। उसमें भी कवर करके आप बनाइए कढ़ाई में। तो चलिए खाइए आराम से, और मेरे को बोलिए कैसा लगा। अच्छा लगा तो एक एक लाइक और कमेंट्स ज़रूर करिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और जो भी मेरे चैनल में नया देख रहे हैं, हर रोज़ का एपिसोड नया देखने के लिए, हर रोज़ का नया वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें लाल बेल बटन में जाके, और ऑल बेल बटन में ऑल में क्लिक करें। फिर मिलती हूँ कल।